टेक्निकल इंजीनियर्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आज हम आपको सस्पेंडेड मैग्नेट के बारे में बताएंगे। सस्पेंडेड मैग्नेट जो कि रनिंग कन्वेयर से लोहे के पार्टिकल्स को, बड़े बड़े लोहे को बाहर निकालने के, अलग करने के काम आता है। जैसा कि हमें पता है कि ये जो कोयला है ये माइंस में ब्लास्टिंग करके निकाला जाता है, तो ब्लास्टिंग के दौरान कई लोहे के पार्टिकल्स, बड़ा रॉड वगैरह जो है इस कोयले में मिक्स हो जाती है। तो इस कोयले को बंकर में पहुंचाने से पहले हमें इसमें से लोहे को अलग करना पड़ता है, क्योंकि यह लोहा जो है हमारे मशीन्स के पार्ट्स जैसे क्रशर्स हो गया और बंकर मील्स हो गया, इसके पार्ट्स को डैमेज कर देते हैं। इसीलिए इस लोहे को हमें इसमें से अलग करना पड़ता है। तो यही जो आप सामने एक हैंगिंग देख रहे हैं, इसे सस्पेंडेड मैग्नेट कहा जाता है। यह मैग्नेट क्योंकि सस्पेंडेड है, बेल्ट के ऊपर टंगा हुआ है, इसीलिए इसको सस्पेंडेड मैग्नेट कहते हैं। ये स्क्वायर शेप जो है, इसके अंदर ट्रांसफार्मर जो है उसका कोर है, जो मैग्नेट है सस्पेंडेड मैग्नेट उसका कोर है, कॉइल्स है, और जो दोनों ही ऑयल में डूबे हुए रहता है। ये इसके अंदर ट्रांसफार्मर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कूलिंग के साथ साथ इंसुलेशन का भी काम करता है। ये जो आप सामने देख रहे हैं इसे ड्रेन प्लग कहते हैं। जब हमें ट्रांसफार्मर इस मैग्नेट में से ऑयल बाहर निकालना रहता है तो हम इस ड्रेन प्लग का इस्तेमाल करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसे कंजर्वेटर टैंक बोलते हैं, इसमें ट्रांसफार्मर का ऑयल फिल रहता है। और ये जो रेड कलर का आप देख रहे हैं ये सिलिका जेल है, ये ट्रांसफार्मर ऑयल में से वाटर मॉइस्चर वगैरह को बाहर निकालने के काम आता है। अभी इसका कलर आप देख रहे हैं रेड है, जब ये मॉइस्चर पकड़ लेगा, मॉइस्चर इसमें आ जाएगा, तो इसका कलर ब्लू हो जाता है। यह जो सस्पेंडेड मैग्नेट है ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, मतलब इसमें जो कॉइल्स है इसे हम सप्लाई देते हैं और वो फ्लक्स बनाने का काम करता है, और जिससे हमारा मैग्नेटिज्म बनता है और ये मैग्नेट काम करता है। अब मैं आपको इसकी नेम प्लेट के बारे में थोड़ा बताऊँगा। तो जैसा आप देख रहे हैं इसके नेम प्लेट पर लिखा हुआ है सप्लाई वोल्टेज है 168 वोल्ट लिखा हुआ है, वो भी डीसी वोल्टेज यूज़ किया। इसमें हम डीसी वोल्टेज इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्यों, क्योंकि डीसी सप्लाई जो है वो कंटिन्यूस रहता है। यदि हम एसी सप्लाई यूज़ करेंगे तो एसी सप्लाई में पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल, दो साइकिल्स चलती हैं। तो अगर ये मैग्नेट पॉजिटिव साइकिल के लिए मैग्नेटाइज होगा तो नेगेटिव साइकिल के लिए डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। इस वजह से जो मैग्नेट में लोहा चिपकेगा वो चिपकेगा और छूटेगा, इस टाइप से छोड़ पकड़ चलती रहेगी। अब आपको इसका जो नेक्स्ट है करंट के बारे में देखिए, तो इसका कोल्ड करंट है 64 एम्पियर और हॉट करंट है 48 एम्पियर। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा डिफरेंस क्यों, तो जैसा कि हमें पता है कि जो कंडक्टर रहता है, जैसे जैसे कंडक्टर हीट होते जाता है उसका रेजिस्टेंस कोफिशिएंट जो है वो बढ़ते जाता है, मतलब उसका रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता है। अब डीसी में यदि रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली बात है कि करंट डिक्रीज होगी। सेम वे में आप देख सकते हैं इसका जो पावर है, पावर कोल्ड कंडीशन में 10.5 किलोवाट है और हॉट कंडीशन में 7.8 है। पावर जो कि होता है वी इंटू आई, तो यदि आई कम होगा तो पावर भी कम होगा। इसका इंसुलेशन के बारे में आपको मैं बताऊं तो इसका इंसुलेशन है एच टाइप इंसुलेशन, एच क्लास इंसुलेशन है, मतलब इसमें 150 डिग्री तक ये इजीली काम कर सकता है। और इसका जो ट्रांसफार्मर ऑयल है वो रेगुलरली कूलिंग, मतलब कंटिन्यूस कूलिंग करता रहता है और इंसुलेशन भी जो है वाइंडिंग को प्रोवाइड करता रहता है। इसके कॉइल्स के बीच में जो है वो कोर है, कोर जो है वो मैग्नेटिज्म को इंक्रीज करने का काम करता है।